नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं आज की मुरादाबाद महानगर की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन है कि पानी अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना करें, सेव वाटर। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण पार्थ सारथी शर्मा सुबह जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां पहले से ही मौजूद जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों और तीमारदारों से इलाज के बारे में जानकारी ली तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत पौधे भी लगाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला ने जिला अस्पताल स्थित पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की, जिसमें संदीप बडोला द्वारा बताया गया कि मंत्रालय में बैठे कुछ अधिकारियों द्वारा तबादला नीति का विरुद्ध कार्य करते हुए लगभग 10 से 15 कर्मचारियों का तबादला प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, तबादला ना चाहने वाले कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र भी अनदेखी किए जा रहे हैं। अगर ये हुए तबादले निरस्त नहीं किए गए तो उन्हें मजबूरन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। बैठक में हेमंत चौधरी, विशाल सिंह, राकेश पाठक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद के हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज के सभागार में WWS इंडिया की ओर से भूजल संरक्षण सप्ताह कार्यक्रम के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज के लगभग 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम संयोजक WWF इंडिया के फील्ड एसोसिएट लव कुमार ने विद्यार्थियों को भूजल संरक्षण के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम संचालक विशाल वर्मा ने विद्यार्थियों को बताया कि विश्व में मात्र 30% जल ही पीने योग्य बचा है। यदि भूजल को सुरक्षित नहीं किया गया तो भविष्य में जल की समस्या विशाल रूप से पैदा होगी। बच्चों से कह रहे हैं कि जल हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जल को सेव करना हमारे जीवन को और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक है, हमें जल सेव करना चाहिए। MDA कॉलोनी की क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन ने समस्याओं का निदान कराए जाने की मांग को लेकर नगर आयुक्त से मुलाकात की और एक ज्ञापन देते हुए समस्या का निदान कराए जाने की मांग को उठाया। ज्ञापन में कहा गया है कि साई मंदिर रोड, सोनकपुर स्टेडियम रोड, दीनदयाल नगर, रामगंगा विहार, आशियाना, अवंतिका, नवीन नगर, मुख्य सड़क मिडटाउन होटल से वेव मॉल तक, मुख्य सड़क मिडटाउन होटल से विवेकानंद अस्पताल की सड़कें बहुत ही खस्ता हाल स्थिति में हैं। जगह जगह सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। पूरे क्षेत्र में जगह जगह सीवर लाइन का कार्य चल रहा है। कई जगह सीवर का कार्य भी हो चुका है, फिर भी उन सड़कों को अभी तक ठीक नहीं किया गया है। सड़कों की खराब स्थिति की वजह से आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश होने पर जगह जगह जल भराव हो जाता है। काफ़ी समय से MDA के अंदर सीवर का कार्य चल रहा है। सीवर का कार्य कई जगह ऐसा है जहाँ सीवर कार्य हो चुका है, उसके बावजूद भी वहाँ की सड़कें जो हैं वो सही से बनाई नहीं गई हैं। काफ़ी गड्ढे हैं अभी बड़ी जगह जगह, और जहाँ सीवर का कार्य चल रहा है वहाँ भी मिट्टी निकाल निकाल के जो रिहायशी कॉलोनी, रिहायशी घर हैं जिनके या दुकानें हैं उनके आगे डाल दी जा रही हैं। कोई व्यवस्था उस तरीके की बनाई नहीं जा रही है। दूसरा, पूरी तरह नाले जो हैं वो साफ़ नहीं हो पाए हैं। जगह जगह साई मंदिर रोड पर, स्टेडियम रोड पर पानी का जल भराव हो रहा है, नाले टूटे पड़े हुए हैं। तो इस संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया है और मांग करिए कि साहब इन सब चीज़ों पे आप विशेष ध्यान करिए, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है MDA वो शहर का दिल कहा जाता है, सबसे पॉश एरिया है, तो उसकी गरिमा उसी तरीके से बनाए रखिए आगे भी। आज़ादी के अमृत महोत्सव 0.2 के अंतर्गत आज मंडल के मनोरंजन सदन मुरादाबाद में चित्रकला प्रतियोगिता एवं आर्ट गैलरी का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर आर्ट गैलरी का शुभारंभ किया। आर्ट गैलरी में लगभग 300 से अधिक पेंटिंग को आम जन के लिए प्रदर्शन हेतु लगाया गया था। पूरा मनोरंजन सदन का हॉल पेंटिंग से ही सुसज्जित हो रहा था। अनेक संख्या में आमजन इस आर्ट गैलरी को देखने आए थे। यह आर्ट गैलरी आज 3 बजे से शाम 7 बजे तक आमजन के लिए खोली गई है। प्रतियोगिता में विजयी होने वाले प्रतिभागियों के लिए प्रथम पुरस्कार ₹10,000, द्वितीय पुरस्कार ₹8,000, तृतीय पुरस्कार ₹5,000 एवं सांत्वना पुरस्कार ₹2,000 एवं प्रतिभागियों के लिए प्रतियोगिता का प्रवेश शुल्क निःशुल्क रखा गया था। लिवाइस कंपनी के कॉपीराइट डुप्लीकेट कपड़े बनाने व अन्य सामान बेचने पर लूजा ट्रेडिंग कंपनी पर लिवाइस कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों ने कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर बुद्ध बाजार पुलिस चौकी के सामने स्थित शोरूम में गुरुवार देर रात छापा मारा। छापेमारी में भारी मात्रा में लिवाइस कंपनी के डुप्लीकेट कपड़े व अन्य सामान बरामद हुए। छापे से आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गया और सभी ने अपनी दुकानों के शटर गिरा लिए। इस मामले में जब कोतवाली CO देश दीपक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लिवाइस कंपनी ने पुलिस को शिकायत दर्ज की है कि उनकी कंपनी के बुद्ध बाजार पुलिस चौकी के सामने लूजा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा डुप्लीकेट कॉपीराइट सामान बेचा जा रहा है, इसी पर पुलिस कार्रवाई कराई गई है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में 5 दिवसीय आयोजित GI फेयर इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना वी जरदोश ने किया। फेयर 24 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यह मेला खजाने, स्वदेशी शिल्प और दुर्लभ विरासत के बौद्धिक गुणों को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। GI फेयर इंडिया सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा और इसमें प्रवेश निःशुल्क है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में NCORD की जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर बैठक आयोजित हुई।
बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी एवं उसकी रोकथाम तथा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत वादों में प्रभावी पैरवी के संबंध में चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि नशा के विरुद्ध जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य स्थलों पर अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंधित मादक पदार्थों का विक्रय एवं सेवन न हो सके, इस हेतु आकस्मिक चेकिंग एवं उसके संबंध में प्रसार प्रचार किया जाए तथा नशामुक्त जागरूकता व प्रवर्तन कार्य दोनों साथ साथ चलाए जाएं तथा थाना स्तर पर जनपद स्तर पर प्रवर्तन कार्य पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मुरादाबाद में एक सप्ताह बाद मौसम ने फिर करवट ली। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई बारिश ने जहां मौसम कुछ देर के लिए सुहाना बना दिया तो दोपहर बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों को फिर परेशान करना शुरू कर दिया। मुरादाबाद के स्टेशन रोड पर तेज बारिश के कारण यातायात भी थोड़ा धीमा हो गया। शुक्रवार सुबह कुंदरकी क्षेत्र में दो वाहनों के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। गुवाहाटी से रुद्रपुर जा रहा कंटेनर कुंदरकी के हुसैनपुर के पास सुबह विपरीत दिशा से आ रहे आयशा ट्रक से टकरा गया। टक्कर के चलते कंटेनर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चालक और उसका भाई घायल हो गए। टक्कर में कंटेनर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कंटेनर चला रही मैनाठेर के ललवारा निवासी हाशिम और उसका भाई कमरे आलम घायल हो गए। दो वाहनों की टक्कर से सड़क पर जाम सा लग गया। डीआईजी रेंज जी मुनिराज ने घायलों को स्वयं तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया एवं दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को रोड से हटवाकर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराया गया।